रिशद सीधा श्यामनगर से ब्रो। ये मेरी कहानी है। सन 2002 15 जून में जन्म, घर वाले खुश, मिडिल क्लास फैमिली से मैं बिलोंग, मम्मी चिंता मुक्त नहीं पैदा हुआ है बेटी, वरना सुनना पड़ता माँ बेटी को बहुत सारे बातें, मिठाई हर जगह बाटे, बहू को लड़का हुआ है, पूरी परिवार हंसी खुशी के माहौल से छाई हुई, पर किसको क्या पता है खुशी कितने दिनों की है, ऊपर वाले ने क्या सोच के रखा है। एक छोटा सा मकान में 3 लोग रहते थे, हंसी खुशी जिंदगी ये सोच के बैठे थे, पर वैसा कुछ नहीं था जैसे सोच के बैठे थे, जो सोचा था दुनिया उससे कई अलग है। माँ जूझ थी घर पे, पापा नौकरी के खोज में पड़ी थे, जिससे आए कुछ पैसे घर पे, जैसे करके दो वक्त की रोटी तो नसीब हो सके, जिसके वजह से नहीं भूखा मरना पड़े हमें, मरना पड़े हमें, मरना पड़े हमें, मरना पड़े हमें, यही वजह से पापा लग गए बुरे कामों में, जिसके वजह से हुए बहुत सारे झगड़े, होते देखे मैंने इन आंखों से, मैंने इन आंखों से देखे, माँ की आंखों में थे आंसू वो भी मैंने देखे, एक साथ झेले कितने सारे झगड़े हमने देखे, एक साथ कितनी रातें ना है हम खाते पीते, खाते पीते, खाते पीते। आसानी में मैं सबकी बातों में आ जाता था, बचपन कैसी गुजरी मुझको याद नहीं आता था, फटे कपड़े बैग लेके स्कूल जाता था, सबके पास थे ब्रांड्स और मेरे पास कॉपी वाला था, सब चलाते नोटबुक्स पर मेरे पास पेजेस थे, सबके पास स्मार्टफोन्स पर मेरे पास कुछ ना था, सब ले जाते थे टिफिन पर मेरा बॉक्स ब्लैंक था, क्योंकि सब थे हाई फाई और मैं कमजोर सा, सारे बच्चे मुझे देख कर हंसते थे, हंसी मजाक में वो मेरी सारी लेते थे, बट मैं भी ठहरा सख्त, मैं सब कुछ सह लेता था, पर मुझे ही पता था मुझ में क्या बीतता था, जो थे मेरे भाई लोग वो मेरे आज भाई ने, जो रहते मेरे पास हर वक्त वो आज मेरे पास नहीं, जानबूझकर टीचर मुझको लास्ट बेंच बिठा देते, सबको नोटिस करके मुझको इग्नोर करते थे, ऐसी मेरी स्कूल लाइफ कितनी है बर्बाद वाली, मन तो करता है कि खुद ही को दे दूं मैं 4 गाली, पर जैसे तैसे मैंने सब कुछ बिता लिया, एक आरवी में मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया, अपना स्कूल छोड़ दिया, खुद का स्कूल छोड़ दिया, अपना स्कूल छोड़ दिया, खुद का स्कूल छोड़ दिया, छोड़ दिया, छोड़ दिया। लाइफ उतनी इजी नहीं है ब्रो जितनी दिख रही है, 4 दीवारी में अपने आप को घेर रखना एक बीमारी है, नंबर हजारों है फोन में पर कॉल नहीं किसी को मिलते, सब पर बातें बहुत ज्यादा कमी लोगों से है, शायद तो डाउट में पढ़ाई में कमजोर था, पैसों के मामले में बन गया मैं चोर था, हाँ कैसे क्या बताऊं, कितने सपने मैंने देखे पर मैंने सपनों को इन आंखों से टूटते देखा था, हौसला रखा था कि नसर कभी झुकेगा, अब फासला था मेरा मुझको खुद चलना पड़ेगा, आगे चलना मुझे कभी ना पीछे मैं मुड़ूंगा, रास्तों में जितने कांटे उन सबको मैं काटूंगा, उन सबको मैं काटूंगा, उन सबको मैं काटूंगा, उन सबको मैं काटूंगा, काटूंगा। रिपीट सीधा श्यामनगर से ब्रो। कोई कुछ भी बोल ले ब्रो, पर रुकना नहीं कभी था।